के म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुदरी में स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर ग्रामीणों ने 827 रुपए की ठग है 890 रुपए प्रति गैस सिलेंडर देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे 100 रुपए अकारण ही अधिक लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नोडिहा गांव की देवमनिया कलावती कल्पतिया ने बताया कि हम लोगों के गांव से महंत गैस एजेंसी कुदरी की महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। गैस एजेंसी के कर्मियों पर द्वारा 890 रुपए प्रति सिलेंडर वसूला जा रहा है, जबकि गैस का मूल्य 827.50 पैसे सरकार ने निर्धारित किए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उक्त गैस एजेंसी कर्मियों द्वारा हमारा पासबुक एंट्री करने के नाम पर मांगा गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि एजेंसी पर आकर 100 रुपए देकर अपना पासबुक लेकर जाना। ग्रामीणों का कहना है कि जब अपने पासबुक लेने गए तो एजेंसी कर्मियों द्वारा पासबुक एंट्री के नाम पर 100 रुपए मांगे गए। साथ में इंडियन गैस एजेंसी के संचालक द्वारा कहा गया कि मोदी सरकार गैस का पैसा खातों में भेजेगी तो हमें भी कुछ खर्चा चाहिए। नोड़िया गांव के चंपा देवी कुमार ने बताया कि 3 माह से पासबुक रख ली है जो दी नहीं जा रही। इस मामले में जब इंडियन गैस एजेंसी के संचालक शशि कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 827.50 पैसा लिया जा रहा है, होम डिलीवरी शुल्क कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, ना ही पासबुक एंट्री के नाम पर पैसा लिए जा रहे हैं। ग्रामीण संजू देवी, संजय कुमार, लीलावती, सुदामा प्रसाद, रजवंती देवी, रामदेव, दुर्गेश कुमार, लव, कुश, चरण आदि जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हुए इंडियन गैस एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही कीमत से अधिक पैसा लेने पर वापस किए जाने की मांग की है। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। क्या आप समस्या है आपका? गैस सिलेंडर कुदरी गए थे लेने के लिए, 100 रुपए वो अपडेट के नाम पर लिया कि हमारा ट्रांसफर हुआ है इंडियन गैस रेणुकूट से यहाँ, और 827.50 की जगह पर 860 रुपया लिया। वहाँ नाम है चाची, क्या समस्या है? क्या समस्या बा, गैस रहे तब गैस आई रहे भरावे, वह गैस भरवावत रही जा, हम कहीं कि चलो गैस आई बा भरवा ले जाए, तो वह हमन के मिलल रहे खाता में पैसा 727 रुपया और 827 रुपया, तो मांगे लगन कि नहीं 890 रुपया हमें पैसा चाहिए, तो हम कहीं बाबू उतना पैसा हमें नहीं खे गई रही निकाले, तो लैकन के मर मिठाई खरीद ले रही, 700 पैसा बचल रहे, तो छोटका लड़का से मांग के तो वह 890 रुपया पैसा देली, तो पासबुकवा ले जात रहन, तो हम कहीं कि पासबुकवा कहिया देवा, तो बोलन कि नहीं ऐसा बा कि एजेंसी में यह यहाँ कुदरी तो मिली 100 रुपया फिर जमा करे लगे, तो हम कहीं कि पैसा है ये नहीं खे, तो कहाँ से हम उतना पैसा देवे पार दे, देख बड़ा कि बनी मजदूरी सब बने कर दिलक सरकार, घर से बाहर निकल ही नहीं खे देव, कहाँ ले घर पैसा हो कद दिन दे। का तोहार समस्या है? हमार समस्या है कि हम सिलेंडर एक भरा ले बदले आई रही तो नहीं दिला, वो चल दिला कि नहीं तू जा एजेंसी में वहाँ कुदरी, तो हम नहीं दे पा रहा। कितना पैसा आपके पास था? 850। तो 827 में ही ना सिलेंडर मिलता है, तो 850 में वो देते नहीं थे, तो 27। कितना पैसा मांग रहा था? 890, मतलब 890 मांग रहा था, 850 आपके पास था, कहाँ नहीं मिलेगा? नहीं। लाल, क्या समस्या है? समस्या यही है कि थोड़ा गैस का जरूरी था, जब तक मिला था तब तक हम लोग भरवा नहीं पाए थे, फिर आया तो कुछ पैसा था और कुछ दूसरे यहाँ से मांग जांच करके पैसा व्यवस्था करके वही भरवाए, तो ले लिए हमसे 950। हम भाई 950 दे के भरवा लिए, भरवाने के बाद वो बोले कि जो है आधार कार्ड पासबुक का फोटो कापी देना, खाता अटैच रहेगा, जो सब्सिडी आता है वो पैसा आ जाएगा, तो वो आधार कार्ड का फोटो कापी आज दिए, तो फिर आज 100 रुपया वो मांग रहे थे कि 100 रुपया हमको दीजिए पासबुक के लिए, हाँ कि सब करने में कागज पत्र 100 रुपया लगेगा, खर्चा दीजिए, तो यही खर्चा नहीं दिए आज के डेट में 100 रुपया, लेकिन मांग रहे थे। क्या नाम है आपका? शशिकांत। सिलेंडर आज कितने रुपये में आप दे रहे हैं ग्रामीणों को? 28 रुपया 827.50 पैसे में। और होम डिलीवरी अगर करने जा रहे हैं तो उसका क्या चार्ज ले? वही रेट 827.50 पैसा। एकदम सही बता रहे हैं ना? बिल्कुल। एजेंसी का आपका क्या नाम है? महंत इंडियन गैस एजेंसी। किस गांव में है? कुदरी। आज हम सोनभद्र के अति गुद्रु गांव नौडीहा में हैं।
यहाँ इंडियन गैस एजेंसी द्वारा ग्रामीणों से 890 रुपया तथा 950 रुपया वसूला जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि आज हम लोग गैस ले रहे थे, गैस एजेंसी वाले अपने गाड़ी से होम डिलीवरी करने आए थे, होम डिलीवरी के एवज में 63 रुपया उनसे अधिक पैसा मांगा गया। कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताया कि हमारे पास पैसा नहीं है, एक ग्रामीण के पास 850 ही था तो उन्हें सिलेंडर नहीं दिया गया और कहा गया कि आप एजेंसी पर जाकर सिलेंडर लीजिए। एक तरफ जहां सरकार गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है, लॉकडाउन का आज 19वां दिन है, लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए एकदम सरकार मना कर दी है, लोग घर अपने अपने घर में बंद हो गए हैं, लेकिन रोजमर्रा के लिए गैस सिलेंडर ज़रूरी है। आज कुछ ग्रामीण लेना चाह रहे थे लेकिन रेट से कहीं ज़्यादा पैसा लेके दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण कुछ नहीं ले पाए। ग्रामीणों का आरोप है कि एजेंसी इंडियन एजेंसी संचालक द्वारा 63 रुपया होम डिलीवरी के नाम पर लिया जा रहा है तथा पासबुक अपडेट के नाम पर 100 रुपया अलग से मांगा जा रहा है। सोनभद्र से समाचार एक्सप्रेस, पंकज सिंह। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.